जय जिनेन्द्र सभी को, वेलकम टू माय जैन रेसिपी। मैं हूँ जीनर। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। आज हम बहुत ही टेस्टी बीन्स और कच्चे केले की साउथ इंडियन स्टाइल मसालेदार ड्राई सब्जी बनाएंगे, जिसे आप रोटी पराठा या फिर दाल चावल के साथ सर्व कर सकते हो। तो ये सब्जी बनाने के लिए हम स्पेशल ड्राई मसाला भी बनाएंगे। बीन्स और कच्चे केले की सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ 150 ग्राम फ्रेंच बीन्स लिया है, जिसे आप फरसबी भी बोल सकते हो। और ये फरसबी एकदम फ्रेश और सॉफ्ट होनी चाहिए। तो अब इसे मैंने एक बार अच्छे से वॉश कर लिया है। अब इसे हम बड़े बड़े टुकड़ों में इस तरह कट कर लेंगे। तो बहुत ज़्यादा छोटे टुकड़ों में कट नहीं करना है। तो देखिए, यहाँ मैंने सारी बीन्स को इस तरह से बड़े टुकड़ों में कट कर लिया है। और कप से देखेंगे तो ये 1 कप जितनी है। अब एक टमाटर को हम इस तरह से बीच में से कट लगा लेंगे, और बीच का पार्ट ज़्यादा है तो इसे आप निकाल देंगे और फिर ग्रेटर से ग्रेट करेंगे। तो हमें एक टमाटर की प्यूरी बनानी है, तो आप चाहो तो मिक्सर बाउल में भी ग्राइंड कर सकते हो, पर इस तरह से ग्रेटर से ग्रेट करेंगे तो ये छिलका भी निकल जाएगा। और एक कच्चे केले को हम 2 पार्ट में कट कर लेंगे और इसे हम बॉईल कर लेंगे। तो देखिए, बॉईल करने के बाद मैंने छिलका निकाल दिया है, और हल्का ठंडा होने के बाद इस तरह से हम थोड़े बड़े टुकड़ों में कट कर लेंगे। तो जैसे हमने बीन्स बड़े टुकड़ों में कट किया है, तो साथ में हम कच्चे केले भी इस तरह से बड़े टुकड़ों में कट करेंगे। तो बहुत ज़्यादा मैश ना हो जाए, वैसे का ध्यान रखना है। तो केले ठंडे होने के बाद ही हम कट करेंगे। अब केले को कट करने के बाद हम ड्राई मसाला बनाएंगे। तो एक पैन में 1 टेबलस्पून सिंगदाना, 1 टीस्पून साबुत धनिया, 5 से 7 काली मिर्च, 2 से 3 कश्मीरी लाल मिर्च में से बीज निकालकर ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून जीरा ऐड करेंगे, और स्लो फ्लेम पर सारे मसाले को हम 2 से 3 मिनट के लिए हल्का रोस्ट कर लेंगे। तो 2 से 3 मिनट के बाद देखिए, मसाले इस तरह से हल्के रोस्ट हो जाने के बाद इसमें 1 टीस्पून सफ़ेद तिल और 1.5 टेबलस्पून नारियल का बुरादा ऐड करेंगे, और एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गैस बंद कर देंगे, क्योंकि नारियल का बुरादा और सफ़ेद तिल तो गर्म कढ़ाई है तो रोस्ट हो जाएंगे। तो देखिए, सब रोस्ट हो जाने के बाद मसाले को ठंडा कर लेंगे और इसे हम छोटे मिक्सर बाउल में ऐड करेंगे। तो ये सारे मसाले रोस्ट हो जाने के बाद ही हम मिक्सर बाउल में ऐड करना है, नहीं तो मसाले में से ऑयल छूटेगा। अब इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। तो देखिए, ये मसाला ग्राइंड हो चुका है। अगर आपको ज़्यादा लगे तो इसे आप स्टोर भी कर सकते हो। अब हम सब्जी बनाएंगे। तो उसी कढ़ाई में हम 1 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे, और इसमें 1/2 टीस्पून उड़द दाल डाल देंगे, साथ में 1/2 टीस्पून जीरा और 1/4 टीस्पून हींग डालेंगे, 5 से 7 करी पत्ते ऐड करेंगे, और जो हमने बीन्स को कट करके रखा था वो सारी बीन्स ऐड कर देंगे, और ऑयल में अच्छे से 2 से 3 मिनट के लिए सौते करेंगे, जिससे बीन्स का कलर ग्रीन ही रहेगा। साथ में हम बीन्स के जितना 1/4 टीस्पून नमक ऐड करेंगे और एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब बीन्स को हम ढककर 2 से 3 मिनट के लिए हल्का सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। तो ढक्कन से ढक देंगे, तो ढक्कन के ऊपर हम थोड़ा सा पानी रख देंगे, जिससे बीन्स अंदर जलेगी नहीं और थोड़ी स्टीम बनती रहेगी और बीन्स भी सॉफ्ट हो जाएंगे। तो 2 से 3 मिनट में बीन्स इस तरह से हल्के सॉफ्ट हो जाने के बाद जो हमने टमाटर को ग्रेट करके रखा था वो ऐड कर देंगे, और टमाटर की प्यूरी को हम इस तरह से अच्छा सौते कर लेंगे। तो साथ में जो हमने ड्राई मसाला बनाया था वो भी सारा मसाला हम ऐड करेंगे। अगर आपको मसाला कम पसंद है तो आप थोड़ा सा कम ऐड करेंगे, और मसाले को और टमाटर की प्यूरी को हम बीन्स के साथ अच्छे से मिक्स करके पका लेंगे। तो इस तरह से हमें 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से सौते कर लेना है। तो टमाटर की प्यूरी अच्छे से सौते हो जाने के बाद इस तरह से हल्का ऑयल छूट जाएगा। बाद में हम जो बॉईल किया हुआ कच्चा केला था वो ऐड करेंगे, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1/4 टीस्पून नमक ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए, इस तरह से मसाला कच्चे केले के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएगा। ज़रूरत लगे तो आप थोड़ी सी चीनी भी ऐड कर सकते हो। तो देखिए, सब्जी बनकर तैयार है। तो इसे हम गर्मा गर्म सर्विंग प्लेट में सर्व करेंगे। बहुत ही मज़ेदार साउथ इंडियन स्टाइल बीन्स और कच्चे केले की मसालेदार सब्जी बनकर तैयार है। सब्जी को आप रोटी पराठा या दाल चावल के साथ खाइए, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी, और टिफिन के लिए भी दे सकते हो। थैंक यू।